मीणा कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अपने आप को युवा बता रही हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि मैं भले ही 72 वर्ष का हो चुका हूं, लेकिन एक युवा की तरह काम करूंगा। राजस्थान में पेपर लीक हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन देने का काम करेगी। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी मीणा हमारे साथ मौजूद है। सर, बात कर रही थी युवाओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले युवा राजस्थान में 72 साल का जवान हूँ। मैं 72 साल का जवान हूँ। मैं आमागढ़ पर चढ़ सकता हूँ, तो मेरी जवानी पर आपको शक क्यों है? लेकिन किरोड़ी मीणा कह रहे थे कि वो बंगले में नहीं, सड़कों के ऊपर नजर आएंगे। क्या ऐसे ही नजर आएंगे? सड़कों पर ही है, पिछवाड़ा है, सड़क है, सड़कों पे आम जन के बीच में रहकर उनकी सेवा करेंगे। सर, विपक्ष से पक्ष के अंदर युवाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद है किरोड़ी मीणा से। युवाओं को उम्मीद है, इसलिए सुनिश्चित करेंगे कि पेपर लीक नहीं हो, अधिक से अधिक नौकरियां उनको दिया जाए और सभी वर्गों की सेवा डट के करें, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, महिलाओं की सुरक्षा करें, कानून को बेहतर बनाए, ये हमारी प्राथमिकता है। सर, भ्रष्टाचार के ऊपर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ठंड का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। सर्द हवाओं के चलने से गलन बढ़ी है, ठिठुरन बढ़ी है। 11 जिलों में शुरू हो सकता है शीतलहर का दौर। अगले साल के पहले सप्ताह में चल सकती है शीतलहर, जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कई जिलों में शीतलहर चल रही है और ठंड बढ़ गई है। सर्द हवाएं चलने से गलन और ठिठुरन बढ़ गई है। 11 जिले ऐसे हैं जहां पर शीतलहर का दौर शुरू हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है, अगले साल के पहले सप्ताह में चल सकती है शीतलहर, बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि लगातार जो ठंडक है वो बढ़ती जा रही है। 11 ऐसे जिले हैं जहां पर शीतलहर का दौर जो है वो शुरू हो सकता है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। अगले साल के पहले सप्ताह में चल सकती है शीतलहर। ठंडक बढ़ने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सवेरे कोहरे की वजह से आवागमन करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता कमलेश दखनी उदयपुर से इस वक्त हमारे साथ है और अशोक कुमार श्रीगंगानगर से इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले अशोक के पास चलते हैं। अशोक, किस तरीके का मौसम है श्रीगंगानगर में? देखिए ममता, श्री गंगानगर के मौसम के मिजाज की बात करें तो आज श्री गंगानगर वासियों को घने कोहरे से भी राहत तो मिल रही है, लेकिन जिस तरह से रात के तापमान में गिरावट हुई है और जो हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं उससे ठिठुरन भरी हुई है। पिछले 48 घंटों में ही दिन का तापमान लगभग 5.5-6 डिग्री सेल्सियस गिर जाने की वजह से दिन के समय जो गलन का एहसास बढ़ा है उससे श्री गंगानगर वासियों की दूजनी छूटने लगी है। रात के तापमान और दिन के तापमान में बमुश्किल अब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस